हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आइए देख लेते हैं कि किस प्रकार से हम ये देखिए यहाँ पे एक टेबल हमने लिया हुआ है। ये डेटा शीट व्यू में ये देखिए प्रोडक्ट आईडी है, प्रोडक्ट नेम है, प्राइस है और यूनिट है। यहाँ पे टोटल मैंने नहीं किया है। हम चाहते हैं कि इसी के ठीक नीचे जब हम इसको फॉर्म व्यू में लें तो इसी के ठीक नीचे हमारा टोटल होकर आ जाए, और हम जो भी कैलकुलेशन का काम है वो हम जाकर के फॉर्म व्यू में ही करेंगे। फॉर्म व्यू के डिजाइन व्यू में जाकर वहां पर कैलकुलेशन का काम करेंगे। तो ऐसा अभी तक आपने नहीं देखा होगा, तो चलिए ये इसको देखते हैं और इसको करके देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम लिख देता हूँ। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ सोयाबीन ऑयल लीटर के हिसाब से है, तो यहाँ पे 80 रुपये लीटर और यहाँ पे 6 लीटर हमने यहाँ पे खरीदा। अब जैसे मान लीजिए सेकेंड जो है वो है डाबर हनी, तो ये डाबर हनी यहाँ पे लिख दिया हमने और इसकी जो प्राइस है वो है 95 रुपये और 7 आइटम हमने खरीदे। और यहाँ पे फिर यहाँ पे दे देता हूं मैं सोप, कोई भी सोप यहाँ पे दे देता हूँ और इसकी जो प्राइस है वो है 30 रुपये और 5 सोप हमने खरीदे, तो उसके हिसाब से यहाँ पे आएगा टोटल। और फिर यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर अब हमें ग्राउंड नट, ये जो सूखा फल होता है ग्राउंड नट, इसको हमने दे दिया और यहाँ पे हमने किया इसको 80 रुपये किलो के हिसाब से और 5 किलो हमने खरीदा। फिर इसी तरह से चेस्ट नट, अखरोट चेस्ट नट ये लिखा हमने, और ये आता है 1200 रुपये किलो के हिसाब से, तो ये हमने कर दिया और 2 किलो हमने खरीद लिया। तो ये अब हमको ये हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर हम टोटल ना देखें, हमें टोटल कहाँ दिखना चाहिए, इसी के ठीक नीचे। चलिए फॉर्म व्यू में चलते हैं, यहाँ से हम फॉर्म व्यू पे आ जाते हैं और ये हमने फॉर्म व्यू यहाँ पे चूज किया और डायरेक्टली हम फॉर्म पे क्लिक करके और फॉर्म व्यू पे आ गए। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पर हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे ये देख लेते हैं। सबसे पहले डिजाइन व्यू पे आ जाइए आप। डिजाइन व्यू पे आ गए, यहाँ से ये जो फुटर वाला पार्ट दिख रहा है इसको नीचे कर लीजिए थोड़ा। अब टेक्स्ट बॉक्स को आपको चूज करना है, तो यहाँ पर चूज कर लेते हैं टेक्स्ट बॉक्स, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए और इसको यहाँ से ड्रैग करवा दीजिए। ड्रैग करवा दिया इसको, आप अगर शिफ्ट करना चाहें इधर उधर तो यहाँ से शिफ्ट भी कर सकते हैं। अब हमको क्या करना है, इसकी प्रॉपर्टी शीट ओपन कर लेनी है। अगर प्रॉपर्टी शीट आपके में नहीं ओपन होती है तो यहाँ पर आए और यहाँ पर राइट क्लिक करके और चले जाएं प्रॉपर्टी शीट पर। मेरे पास ऑलरेडी ओपन है तो यहाँ से क्लिक करता हूँ तो ये ओपन हो चुकी है। अब हमको यहाँ पर ऑल पे रहना है। ये देख सकते हैं यहाँ पे फॉर्मेट है, डेटा है, इवेंट है, अदर है, ऑल है, तो आपको यहाँ ऑल पे क्लिक रखना है। ठीक है, और यहाँ कंट्रोल सोर्स दिया हुआ है, यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक किया हमने तो आप ये देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, लिखना है सम, सम फॉर्मूला लगाना है। और देखिए ये सम फॉर्मूला लगाएंगे और ये मल्टीप्लाई हमें करके दे देगा। कैसे करके देगा आइए देख लेते हैं। प्राइस इंटू इंटू यहां लगाया हमने और प्राइस इंटू यूनिट करेंगे। ठीक है, और यहां पे टोटल जो भी है ना पूरे का टोटल हमें कैलकुलेट करके ये दे देगा। यहां पे यूनिट में यू कैपिटल कर देता हूं और यहां से ओके प्रेस करता हूं। ये ओके प्रेस किया हमने। अब हम चाहते हैं ये नाम भी चेंज हो जाए, तो यहाँ से हम इसका लेबल जो है चेंज कर देंगे। ये टेक्स्ट जो भी है अदर में जा करके और इसका जो इवेंट डेटा फॉर्मेट, यहाँ पर कैप्शन जो है इसको हटा देंगे हम और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं टोटल, ये लिख दिया हमने टोटल। अब यहाँ पे देखिए ये टोटल लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ से आपको करना है रन पे क्लिक करना है, यहाँ से फॉर्म व्यू पे क्लिक करना है। तो जैसे ही फॉर्म व्यू पे आप जाएंगे तो यहाँ पे देख पाएंगे कि यहाँ पे इसका टोटल होके आ गया है, यानी कि जो भी हमने कैलकुलेट किया था। मैं आपको दिखाता हूँ एक एक करके। ये देखिए ये पहला जो हमारा प्रोडक्ट आईडी है वो सोयाबीन ऑयल का है, तो 6 किलो हमने सोयाबीन ऑयल लिया और उसके हिसाब से यहाँ पे इसका टोटल आना था। ठीक है, तो जो भी टोटल आया होगा वो, और फिर यहाँ पे डाबर हनी 7 हमने शीशियां खरीदी हैं इसकी और 95 रुपये का एक है, तो जो भी टोटल आया होगा वो। ठीक है, और फिर यहाँ पर अगला है सोप, तो जो भी साबुन हो वो 30 रुपये का एक है, 5 साबुन हमने खरीदा है, तो इसका टोटल, और फिर ग्राउंड नट और फिर चेस्ट नट का टोटल जो भी आया होगा उन सबको टोटल करके यहाँ पर ये टोटल दे रहा है।
तो ये देख सकते हैं, ये बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। और इस तरह की जरूरत तब लगती है जबकि हम कोई बड़ा सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं, तो हमें नीचे कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ती है। हम ये नहीं चाहते कि यहाँ पे साइड में एक और कॉलम बन जाए और यहाँ पर हम कैलकुलेट करें। तो ऐसी स्थिति में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और ये बखूबी काम करेगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। इससे रिलेटेड और भी वीडियोज मैं आज डालूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।